टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खैर, जानेंगे इस सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी उठापटक भरा माहौल रहा, जहां पर पहला जो रुझान था वो नीचे की तरफ था और हमने 50,400 गोल्ड में और करीबन 60,200 के लेवल सिल्वर में आते हुए देखे। लेकिन जैसे ही यूएस से जो CPI और कोर CPI यानी महंगाई दर का जो डेटा था वो आया, जहां पर महंगाई दर उम्मीद से बढ़कर आई या 1% मंथ ऑन मंथ गेन देखा गया हेडलाइन CPI में और 0.6% कोर CPI में, तो हमने महंगाई दर उम्मीद से बढ़ के आते हुए देखी। और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक इन्फ्लेशन हेज माने जाते हैं, खास करके गोल्ड, यानी जब भी महंगाई बढ़ती है तब हमने देखा है कि जनरल टेंडेंसी गोल्ड की प्राइसेस की ऊपर जाने की रहती है या बढ़त के साथ या तेज़ी के साथ ट्रेड करते हैं। तो वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने गोल्ड का उभरते हुए देखा। और 50,400 के जो स्तर थे, जो पिछले महीने भी हमने एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखा था, वही सपोर्ट लेते हुए इस बार भी प्राइसेस को देखा और 51,700 के साथ ज़बरदस्त तेज़ी के साथ क्लोज दिया है बाज़ार ने। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करूँ तो $1,825 के लो से उभर कर $1,875 के हाइस बनते हुए देखिए एक ही सेशन में, यानी एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बाज़ार ने साप्ताहिक क्लोज देने में कामयाबी दिखाई है। आने वाले हफ्ते में भी ऐसा लगता है ये तेज़ी का रुझान जारी रहेगा और $1,845 से $1,850 के जो स्तर हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। निचले स्तरों के आसपास 51,000 से 51,100 के आसपास भारतीय बाज़ारों में अगर हम देखें तो एक मज़बूत सपोर्ट दिखेगा। और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 52,300 से 52,400 तक के स्तर आने वाले कुछ सेशन में देखने मिल सकते हैं, यानी ये जो तेज़ी है ये जारी रहने की पूरी उम्मीद है आने वाले हफ्ते में भी और उसके बाद भी एक या दो हफ्तों तक तेज़ी जारी रह सकती है। वहीं चांदी की बात करें तो 60,200 के स्तर जो हमने पिछले महीने भी सपोर्ट बनते हुए देखे थे, वही स्तरों के आसपास सपोर्ट आता हुआ दिखा और 62,000 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी। यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो 61,000 से नीचे जाती हुई नहीं दिखती है प्राइजेस और ऐसा लगता है जो भी डिप मिले वहाँ पर दोबारा तेज़ी की जा सकती है। और अपसाइड में 63,600 से 63,800 यानी 64,000 के काफ़ी करीब के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर इसके विपरीत बेस मेटल्स की बात की जाए तो क्योंकि शंघाई में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बन गई है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर का एक मेजर है 6 मेजर करेंसीज़ के अगेंस्ट, यानी जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है हम देखते हैं कमोडिटीज़ में और ख़ास करके बेस मेटल्स में प्रेशर का माहौल बनता हुआ दिखता है। तो इन दो कारणों की वजह से बेस मेटल्स में दोबारा एक नरमी का माहौल देखा गया। और कॉपर में ख़ास करके हमने पिछले हफ्ते यही एक चीज़ डिस्कस की थी कि 810 के करीब बिकवाली करके चला जा सकता है 790 से 785 के स्तरों के लिए। इनफैक्ट हमने जो क्लोज आते हुए देखा वो 780 के नीचे के क्लोज आते हुए देखे। आगे देखा जाए तो 790 टू 795 ये जो एक बैंड है अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसके ऊपर प्राइसेस का जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डाउनसाइड में 765 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे। तो सेलोन रैलीज की एक रणनीति अब भी कॉपर में अपनाई जा सकती है। वहीं जिंक में भी हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी, जहां पर 338 के एक रीसेंट हाइज देखे गए थे, वहीं पर क्लोजिंग जो है 324 से 323 की दी है प्राइजेस ने। इमीडिएट तौर पर 330 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है जिंक प्राइजेस के लिए और मुझे लगता है कि 316 से 317 के दाम हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल जाएंगे। वहीं पर अगर एल्यूमिनियम की भी बात करें तो यहाँ पर भी नरमी का माहौल बना रहा और 230 के नीचे के क्लोजिंग दी है। अपसाइड में यहाँ पर 236 से 238 के स्तर जो हैं वो कैप करेंगे और उससे ऊपर प्राइसेस का निकलना डिफ़िकल्ट है। डाउनसाइड में ऐसा लगता है कि 220 के जो स्तर देखे गए थे दो हफ्ते पहले वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो पूरे ही बेस मॉडल्स कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं नरमी के साथ माहौल रहेगा और जब तक डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बनी रहेगी ऐसा लगता है ये माहौल जो है
नरमी का बेस मेटल्स में बना रहेगा। वहीं पर हमने एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी दोबारा लौटते हुए देखी और देखा गया कि खास करके कच्चे तेल में निचले स्तरों पे जो तेज़ी देखी गई थी वो बरकरार रही है। 8,700 के स्तरों से हमने लगातार 9,550 तक के स्तर देखे हैं क्रूड में। उसके बाद जो क्लोजिंग थी हफ्ते की, हालांकि वो 9,400 के आसपास आई है, तो थोड़ी सी गिरावट के साथ अपने ऊंचाई से प्राइस ने क्लोज दिया है। लेकिन आने वाले हफ्ते में जब तक ओवरऑल 9,100 का स्तर होल्ड कर पा रही हैं प्राइजेस, तब तक जो रुझान है वो तेज़ी का बना रहेगा, यानी बाइंग ऑन डिप करके चला जा सकता है। निचले स्तरों पे बाइंग की जा सकती है 9,300 से 9,200 के बीच, 9,100 के नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो पिछले हफ्ते के लोस हैं। और उसके बाद जो अपसाइड मूव्स हैं वो 9,550 और उसके बाद 9,700, ये दो टारगेट्स लेके चला जा सकता है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि भारतीय बाज़ारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दोनों में ही कच्चे तेल में तेज़ी का रुख बना रहेगा। अगर WTI क्रूड की बात करें तो ऐसा लगता है कि $125 से $127 के न्यू रीसेंट हाईज हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं पर नेचुरल गैस में काफ़ी उठापटक रही, जहां पर हमने एक नए हाई 750 के करीब के बनते हुए देखे और उसी दिन जो एक फॉल है हमने करीबन 630 तक का आता हुआ देखा। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज था वो 690 से 695 के बीच आता हुआ देखा, तो काफ़ी उठापटक हमने यहां पर देखी है। US में जो नेचुरल गैस के प्लांट में जो एक्सप्लोजन हुई है उस वजह से ये अटकलें थी कि क्योंकि प्रोडक्शन हैम्पर हुई है या डैमेज हुई है तो एक्सपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसके चलते हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। लेकिन उसके बाद ये जो गिरावट थी ये शॉर्ट लिफ्ट थी या कम समय के लिए थी, और हमने तुरंत ही दूसरे दिन काफ़ी बड़ी एक रैली भी आते हुए देखी, जहां पर प्राइसेस जो हैं 630 से उभर कर लगभग 710 से 712 तक जाते हुए दिखी। आने वाले हफ्ते में वॉलेटिलिटी या जो एक दायरा है वो काफ़ी बड़ा रहने की उम्मीद है। पहला रुझान जो है हो सकता है कि नीचे की तरफ हो, 660 से 665 तक प्राइसेस जाते हुए दिखें, लेकिन वहाँ से दोबारा एक मांग आते हुए दिखेगी ऐसा मेरा मानना है, और दोबारा हमें 715 से 720 के स्तर आते हुए दिखेंगे। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।